हेलो फ्रेंड्स, नया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सेवई पुलाव बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं सेवई पुलाव बनाना बताऊंगी। ये मुझे मेरे व्यूअर प्रदीप जी ने कहा था कि बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए कोई जल्दी बनने वाली रेसिपी बताइए। तो प्रदीप जी, आज मैं ये आपके लिए बना रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। चलिए अब हम बनाएंगे सेवई पुलाव। सेवई पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सेवई भुनी हुई। मैंने बारीक नहीं, थोड़ी मोटी ली है। और अगर आप कच्ची सेवई लेंगे तो उसे भून लीजिए। 2 टेबलस्पून तेल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 लेमन जूस, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, 1 छोटा टमाटर बारीक काटा हुआ, 1 छोटा प्याज बारीक काटा हुआ, 1/4 कप कॉर्न, 1/4 कप कैप्सिकम बारीक काटी हुई, 1/4 कप गाजर बारीक काटी हुई। और हमें पानी, 1 कप सेवई ली थी तो 1.5 कप पानी आप ले लीजिए। सबसे पहले आप गैस ऑन कर दीजिए। अब पैन गरम हो चुका है, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें आप जीरा, इसे तड़कने दीजिए। अब इसमें आप अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, इसे भून लीजिए 1 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। इसमें प्याज भी डाल दीजिए और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। अब देखिए सॉफ्ट भी हो चुका है और थोड़ा पिंकिश कलर में भी हो चुका है। अब इसमें आप टमाटर डाल दीजिए, इसे भी मिक्स कीजिए और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। अब इसमें आप, ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें गरम मसाले सब डाल दीजिए, नमक आधी छोटी चम्मच या आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, सबको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब आप देखिए सब सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें आप वेजेस डाल दीजिए, कैप्सिकम, गाजर, कॉर्न, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे अब हम ढककर 2 से 3 मिनट रखेंगे। सब मिक्स कर दीजिए अच्छे से और इसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अब 3-4 मिनट हो चुके हैं, आप ढक्कन हटाकर देख लीजिए। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज़ आप कलर अलग अलग होंगे उसमें तो उन्हें अच्छी लगती है देखकर ही। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने कॉर्न इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद आते हैं। ये बहुत हेल्दी फूड है बच्चों के लिए, ख़ास टिफ़िन में उनको दीजिए आप। अब इसमें आप लेमन जूस मिक्स कर दीजिए। सेवैयाँ से भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लंच बॉक्स में बच्चों को दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये। अब आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने 1 कप सेवई ली थी
इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है, इसे भी मिक्स कर दीजिए। अब इसे आप ढककर 5 से 8 मिनट के लिए रहने दीजिए मीडियम लो फ्लेम पर। अब आप ढक्कन हटाकर देख लीजिए, 5-6 मिनट हो चुके हैं। इसे मिक्स कर दीजिए, अच्छे से हिलाइए। ये देखिए बन चुका है, सेवई भी आप गल चुकी है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। और ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आप लंच बॉक्स के लिए कुछ रेसिपी बताइए, तो ये मुझे परफेक्ट लगी इसलिए मैंने आज ये बताई है। अब आप ढक्कन हटाकर देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बीच में भी आप एक बार चेक कर लीजिए इसे। ये देखिए आपकी सेवई बन चुकी है, गल भी चुकी है। ये बहुत जल्दी बनती है 5 मिनट में। और ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आप लंच बॉक्स के लिए कोई रेसिपी बताइए, ये मुझे परफेक्ट लगी इसलिए आज ये मैंने बनाई है। चलिए अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए। लीजिए अब आपकी सेवई पुलाव बन चुका है। इसे नमकीन सेवई भी कहते हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़े भी खाते हैं। आप ये ब्रेकफास्ट में भी बड़ों को भी देंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।